हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में मैं मनमोहन जोशी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, वो है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कई बार कि क्या पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। जनरली जब आपने कोई फिल्म देखी हो पुराने समय की, खासकर नई वाली फिल्मों में, तो पुलिस ना तो किसी को अरेस्ट करती है ना कुछ, और सीधे गोली मार देती है। साउथ इंडियन फिल्मों में तो एक मुक्का मारता है हीरो और वो अपराधी चार बार घूमता है। तो पुलिस को ये सब अधिकार नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ आपको। पुलिस ना तो किसी को जान से मार सकती है ना किसी पर हाथ उठा सकती है। इस पर भी हम अलग से एक टॉपिक और लेक्चर बनाएंगे। पुलिस किसी को टॉर्चर भी नहीं कर सकती, आपको ये भी जानकारी मैं दूँ, तो अलग से हम एक टॉपिक पर लेक्चर बनाएंगे। आप इस चैनल को ज़रूर देखते रहिए। फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूँ क्या पुलिस किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो डिपेंड करता है कि ऑफेंस कौन सा है। अपराध को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक है कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध और एक है नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन सीआरपीसी के सेक्शन 2C में मिलती है। अगर धारा याद करना हो तो सी से कॉग्निजेबल और 2C कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है। 2C में है कॉग्निजेबल और 2L में है नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। देखें ये दो धाराएं क्या प्रावधानित करती हैं, क्या प्रोविजंस हैं इन दो सेक्शंस में। Cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. तो अभी जो डेफिनेशन मैंने पढ़ा वो ये कह रही है कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो अभी क्वेश्चन ये था कि क्या पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आंसर है हाँ, पुलिस के पास अरेस्ट करने के राइट्स हैं ऐसे अपराधों के लिए जो कॉग्निजेबल हैं, संज्ञेय हैं। तो कौन से अपराध संज्ञेय हैं, कौन से असंज्ञेय हैं, इसकी जानकारी हमको मिलती है अगेन सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में। तो सीआरपीसी का शेड्यूल 1 संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों की पूरी एक लिस्ट देता है। जैसे एग्जांपल के लिए, हत्या मर्डर का अपराध कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है। रेप का अपराध कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है। तो ऐसे मामले जो बहुत गंभीर किस्म के हैं और जहां वारंट इशू करवाते करवाते ही टाइम निकल जाएगा, अपराधी भाग जाएगा, ऐसे अपराधों के संबंध में पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि पुलिस तुरंत अरेस्ट कर सकती है। देखें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन क्या कहती है। सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। According to this section, non-cognizable offense means an offense for which, and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant. तो धारा 2L ये कहती है कि ऐसे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। तो ये वारंट क्या है, मजिस्ट्रेट जारी करते हैं वारंट कि इस आदमी को अरेस्ट कर लाओ। तो ये वारंट और समन क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो हम समझ रहे हैं नॉन कॉग्निजेबल केस। तो धारा ये कहती है, सेक्शन ये कहता है, लॉ ये कहती है कि ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती नॉन कॉग्निजेबल केस होते हैं। समझते हैं एग्जांपल क्या है इसके। जैसे मर्डर सेक्शन 302 का अपराध संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल केस है। इसका मतलब ये कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर पाएंगे यदि अपराध संज्ञेय है। किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अटरिंग एनी वर्ड और मेकिंग एनी साउंड इन द हियरिंग और मेकिंग एनी जेस्चर और प्लेसिंग एनी ऑब्जेक्ट इन द साइट ऑफ एनी पर्सन विद इंटेंशन टू वुंड हिज रिलीजियस फीलिंग। ऐसा कोई काम करना जिसमें ध्वनि है, शब्द हैं, उच्चारण हैं, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो सेक्शन 298 आईपीसी ये कहती है कि ये असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। लेकिन वहीं धार्मिक उपासना में लगे हुए जमाओं में कोई विघ्न कारित करना, कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू एन असेंबली एंगेज इन रिलीजियस वर्शिप, कोई लोग धार्मिक पूजा करने के लिए मंदिर या मस्जिद में इकट्ठा हुए हैं और उस सभा में, उस असेंबली में कोई विघ्न कारित करना, कोई डिस्टर्बेंस करना, ये अपराध संज्ञेय है, मतलब पुलिस जो है बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी, ऐसा धारा 296 आईपीसी कहता है। कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात कारित करना, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, असंज्ञेय अपराध है। इसका मतलब केवल इतना है कि पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने किसी का गर्भपात करवाया है बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।
तो ये डिफरेंस था संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जिसकी जानकारी हमको मिलती है सीआरपीसी के शेड्यूल 1 से कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। तो संज्ञेय अपराध क्या है? ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध जिसमें पुलिस को वारंट इशू करवाना मजिस्ट्रेट से जरूरी हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल से आपको मिल रही हैं। ये जानकारी न केवल लॉयर्स एडवोकेट्स के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, आम जनता के लिए भी ये जानकारियाँ बड़े काम की हैं। तो उम्मीद है कि ये चैनल आपको जानकारियाँ पहुँचा रहा है, आपके नॉलेज को एम्पावर कर रहा है, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। तो आपके एम्पावरमेंट में हम कहीं भी अगर मददगार साबित हो रहे हैं तो हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं। हम ये सोशल कॉज कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। आपको बस एक ही काम करना है, थम्स अप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बहुत इम्पॉर्टेंटली कमेंट करिए। आपके संदेश बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये चैनल कैसा लग रहा है, ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, या आप और किन टॉपिक्स पर लेक्चर सुनना चाहते हैं, ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में मुझ तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।